गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी आंटी यूट्यूब चैनल। बीबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, बीसीए बीबीए और बीकॉम में बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उसमें हम बिजनेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट को आपको आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो बेसिकली आपके सिलेबस वाइज ये कंटेंट है जिसको हम वन बाय वन लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स इस ऑडियो लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं तो ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने। इसके अलावा कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट बीबीए बीसीए बीकॉम एमबीए सभी डिपार्टमेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट कॉमन रहता है, बट स्टिल एज पर योर सेमेस्टर एज पर योर ईयर इस सब्जेक्ट को हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करना है। सिलेबस वाइज इसमें जो भी चीजें हैं वो आज के कंटेंट में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। The English word communication has been derived from the word communicare, which means to participate or to impart or to transmit. The word communicate from the words communis, which means to make common or to share. Basically, जो ये communication का शब्द है ये derived हुआ एक word से जिसे हम कहते हैं communicare. Communicare का मतलब means to share or to make common. Whenever we share our information, our ideas, thoughts, feeling, emotions, जब भी हम उसको शेयर करते हैं तो उसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग और शेयरिंग आइडियाज फीलिंग्स इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस बिटवीन टू और मोर पर्सन। अगर हम इसको डिफाइन करें तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग आइडियाज फीलिंग इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस बिटवीन टू और मोर पर्सन। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है एक्सचेंज किया जाता है उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। एन एक्ट और इंस्टेंट ऑफ ट्रांसमिटिंग, कम्युनिकेशन एक ऐसे एक्ट है जिसके थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं। क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को, जानकारी को, जो भी आपके पास है उसको आप शेयर करते हैं। द इन्फॉर्मेशन एक्चुअली कम्युनिकेटेड बाय सम मींस, और ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब भी कम्युनिकेशन होता है तो इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंजेड By some means, कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई सोर्स जरूरी होता है। जैसे मैं आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मेरा माध्यम है ऑडियो विजुअल कि हम आपके सामने अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पा रहे हैं। तो वेन एवर वी एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन द आइडियाज दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें तो एज ऑफ द डिक्शनरी कम्युनिकेशन द एक्ट ऑफ कन्वेइंग और एक्सचेंजिंग द इन्फॉर्मेशन और आइडियाज। बेसिकली द एक्शन ऑफ कन्वेइंग एंड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की जानकारी या आइडिया को जब हम एक्सचेंज करते हैं उसको हम बेसिकली कम्युनिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन पीपल्स और ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि एक रिस्पॉन्स जनरेट हो। इन अदर वर्ड इट इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। दूसरे व्यक्ति के दिमाग में जब आप कोई चीज डालना चाहते हैं समझाना चाहते हैं तो उस कार्य के लिए व्यक्ति जो भी चीजें करता है वो कम्युनिकेशन ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग और इट इन्वॉल्व अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ टेलिंग लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। तो आपको ये भी समझना है कि कम्युनिकेशन एक ब्रिज है मीनिंग का। इन दिस प्रोसेस वी बेसिकली अंडरस्टैंड वी लिसन वी टेल एंड वी रिस्पॉन्ड। चीजों को समझना रिस्पॉन्ड करना सुनना ये सब कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। ऐसा नहीं है कि बस ट्रांसमिट कर दिया तो कम्युनिकेशन हो गई कि भाई मेरे पास जो जानकारी है मैंने आपको बता दी कम्युनिकेशन हो गई। नो, इट ऑल्सो इन्वॉल्व लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग टेलिंग। जो चीज आपके जानकारी आपके माध्यम से किसी के पास जा रही है उसको समझना उसको बताना उसको सुनना ये सब कम्युनिकेशन के अंदर। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सिंपल लैंग्वेज में कहें जब हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। तो आई होप आप इसको समझ पाए हैं, दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन। इसके बाद हम इधर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस which involves transmission of ideas by the feedback for the purpose of action which will be accomplished organization's goal. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं आइडियाज को ट्रांसफर करते हैं बाय द फीडबैक फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्शन अकम्प्लिश फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल। जिससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स को ऑब्जेक्टिव को
पूरा कर पाए, तो उस नजरिए से जब आप इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं और फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। डेफिनेशन इन्वॉल्व द सेंडर एबिलिटी टू ट्रांसमिट हिज ओन आइडियाज एक्यूरेटली, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें सेंडर अपने आइडियाज को ट्रांसमिट कर रहा है। रिसीवर्स एबिलिटी टू गेट द सेम आइडियाज एज वर ट्रांसमिटेड। फीडबैक ऑन द रिसीवर्स रिस्पॉन्स एंड द एक्शन दैट विल बी टू अचीव द गोल्स। तो ये सब चीजें इसके अंदर चार एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है, इसको ध्यान से समझिएगा। सेंडर एबिलिटी टू ट्रांसमिट हिज ओन आइडियाज, भाई सेंडर हूं मैं, मैंने आपको कुछ बात बतानी है, तो इट्स माई एबिलिटी की मैं कितनी तरीके से आपको बात बता पा रही हूँ। रिसीवर इन मेंटल एबिलिटी की जो बात उसको बताई गई है वो उसको किस रिस्पेक्ट में उसी तरीके से समझ रहा है। नेक्स्ट इज फीडबैक और द रिसीवर रिस्पॉन्स, जब मुझे कोई बात या कोई जानकारी प्राप्त हुई तो उसमें मैंने कैसा रिस्पॉन्स दिया, कैसा फीडबैक दिया, वो भी कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। एज द लास्ट थिंग इज द एक्शन विच विल हैपन टू अचीव द गोल, जब आपने इन्फॉर्मेशन जानकारी प्राप्त की उसके बाद उस पर रिस्पॉन्स किया, हाउ यू विल एक्ट, वॉट आर द एक्शन यू विल परफॉर्म टू अचीव द गोल। तो ये चारों आस्पेक्ट इसमें कवर होते हैं। अब हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले क्या आइडिया दैट अराइजेस इन द माइंड ऑफ द सेंडर, सेंडर सबसे पहला स्टेप होता है कि जैसे मुझे, मैं एक सेंडर हूं जो आपको कोई भी जानकारी देना चाहती हूं, तो सेंडर के दिमाग में सबसे पहले जो आइडिया जनरेट होगा दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद सेंडर एनकोड्स द आइडिया इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, दूसरे स्टेप में सेंडर एनकोड द मैसेज। एनकोडिंग का मतलब होता है जब हम अपनी बात को, अपने आइडिया को सरल शब्दों में ट्रांसलेट कर ले जिससे कि सुनने वाले को आसानी से समझ में आ जाए, तो उसे हम एनकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज मीडियम, माध्यम सेलेक्ट करेगा सेंडर की, मेरे पास कोई आइडिया था, पहला स्टेप उस आइडिया को मैंने सरल शब्दों में ट्रांसलेट कर लिया कि जब मैं आपको बताऊं तो आपको वो समझ में आ जाए, वो एनकोडिंग हो गया। तीसरा काम क्या करता है उस प्रोसेस में कि आप एक माध्यम का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो मैं यूट्यूब लेक्चर एक मेरा माध्यम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं अपनी बात बता पा रही हूँ, तो उस चैनल को इकट्ठा मैनेज करना है। एंड द रिसीवर हु रिसीव्स द मैसेज, इसके बाद कौन आता है, रिसीवर जो आपके मैसेज को रिसीव करेगा। आफ्टर दैट रिसीवर डिकोड्स, अब जब रिसीवर के पास वो मैसेज आ गया तो वो डिकोडिंग होती है, डिकोडिंग भी वही है सरल शब्दों में इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, भी जो भी जानकारी आपके पास आई है आपको, जैसे मैं चीजें बताती हूँ या हम कुछ पढ़ते हैं तो हम उसको ट्रांसलेट करते रहते हैं ना कि इसका मतलब ये है, तो जब रिसीवर द्वारा उसे ट्रांसलेट किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, इंटरप्रिटेट किया जाता है, तो उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। और लास्ट स्टेप होता है आपका क्या, फीडबैक रिस्पॉन्स टू द मैसेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक बार फिर से आपको मैसेज, ये जो प्रोसेस है रिकॉल कराती हूँ। सबसे पहले आता है मैसेज आइडिया जो सेंडर के दिमाग में है उसको शेयर करना है, मुझे आपको कुछ बताना है तो मेरे दिमाग में जो भी चीजें हैं, जो भी मैंने सोचा है वो मैं आपको बताऊंगी, दैट इज मैसेज और आइडिया। उसके बाद मैं उसकी एनकोडिंग करूंगी, सरल शब्दों का प्रयोग करूंगी जिससे कि आप उसको समझ पाए। उसके बाद तीसरी चीज होती है कि आप क्या करेंगे, माध्यम का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी बात वहां तक जा पाए। उसके बाद रिसीवर जो पर्सन है उसको रिसीव करेगा, डिकोडिंग वो भी समझने की कोशिश करेगा कि जो जानकारी आई है उसका क्या मतलब है, और उसको क्या देगा, फीडबैक। तो ये देखिए आपके सामने ये एलिमेंट्स हैं जो आप देख पा रहे होंगे, सेंडर और द कम्युनिकेटर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको ये ध्यान रखने हैं कि ये सब स्टेप्स आपको प्रॉपरली समझ में आए और आप उसको एक एक करके समझा। तो आई होप यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं, पहली क्लास है, एक एक करके मैं आपको सारा कंटेंट इजीली समझाऊंगी, बट आपको कंटेंट को अच्छे से समझना है और इन नोट्स को फॉलो करना है। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन द प्रोसेस, भाई आपने इसमें एक टॉपिक पढ़ा रिस्पॉन्स या फीडबैक, जब भी कम्युनिकेशन हो रही है आप बात बता रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसमें बेसिकली फीडबैक की क्या इम्पोर्टेंस है, फीडबैक की इसमें क्या इम्पोर्टेंस होती है, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, दोनों ही बहुत मतलब हेल्पफुल होंगे। कोई भी जानकारी आपको पता चली, कोई बात आपको पता चली, कंपनी ने कोई नया आइडिया, कोई नए डायरेक्शन दिए, अब वो आपके लिए सही भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। द रिसीवर प्रोवाइड फीडबैक विद ही एनकोड इन द फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स और रिएक्शन, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज डिजायर्ड एंड एक्सपेक्टेड बाय द सेंडर एंड द रिसीवर, दोनों की तरफ से एक्सपेक्टेड होता है कि रिस्पॉन्स मिले।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको कोई भी बात बता रही हूँ या मैं आपको एक टॉपिक ही समझा रही हूँ, अगर इस टॉपिक को सुनने के बाद आप उसको समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, बात आप तक क्लियर हुई है नहीं हुई है, अगर ये मुझे नहीं पता चलेगा तो मेरी कम्युनिकेशन कम्प्लीट नहीं होगी। सेम थिंग विद द रिसीवर, अगर उसके द्वारा जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वो उसको समझ में आ गई है तो अगर उसका फीडबैक मिल जाएगा तो उसे भी क्लियर होगा कि हाँ भाई जो बात मेरे तक आई है वो ये बात है। इट शुड बी नोटेड दैट फीडबैक मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक इंडिकेट द सेंडर इज मैसेज हैज बीन रिसीव्ड अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड, कि भाई आपको कल इतने बजे यहाँ पर पहुंचना है और वहां पर ये काम करना है। अब ये बात वहां तक पहुंच गई, उसने बोला ओके, तो मतलब पहुंच गई जानकारी, एक्सेप्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फीडबैक आपका नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं फ्लॉज है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि भाई या तो जानकारी समझ में नहीं आई या वहां तक सही तरीके से पहुंची नहीं है। ठीक है, तो इट शुड बी नोटेड दैट कि फीडबैक में भी इमीडिएटेड और डिले, ये भी याद रखना है कि जरूरी नहीं है फीडबैक तुरंत ही आ जाए, आपको वेट करना पड़ता है कि भाई उसने समझा नहीं समझा। ही इज कन्वेइंग द मैसेज, ही कैन ऑल्सो गेस वेदर द रिसीवर एग्रीज और डिसएग्रीज। हाउएवर इन केस ऑफ फीडबैक में भी डिले, रिसीवर विल टेक टाइम टू रिप्लाई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो फीडबैक है, रिस्पॉन्स है मैसेज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कम्युनिकेशन के प्रोसेस का। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर। डायग्रामेटिकली देखिए आपके सामने कम्युनिकेशन का एक ये बताया है कि प्रोसेस कैसे चलता है, सेंडर चैनल रिसीवर, हाउ द टू अचीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट फॉर अ पर्पस, कंपोज द मैसेज विद केयर, स्टडी द रिसीवर, सेलेक्ट द मीडियम, प्रोवाइड द फीडबैक, एक्ट एज पर रिसीविंग द फीडबैक। तो ये डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया गया है कि अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि हम कम्युनिकेट करते हैं एक पर्पज से, एक मैसेज को बहुत केयर से आपको बनाना है, कुछ भी चीज उसमें मिसिंग ना हो। स्टडी ऑफ रिसीवर, क्योंकि सामने वाले पर्सन की प्रोफाइल भी पता होनी चाहिए, वो आपकी बात समझ पाएगा कि नहीं पाएगा। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीडियम, फीडबैक होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स बेनिफिट्स के भी होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन होती है। भाई जब हम अपनी जानकारी किसी को बता रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, तो भी हम मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप चलकर बेटर परफॉर्मेंस, भाई अगर कोई कम्युनिकेशन गैप्स नहीं है तो अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी। हाई मोरल, लोगों का मनोबल बढ़ जाता है काम करने के लिए जब आपको कोई बताता है, आपका रिस्पॉन्स देता है। इमेज अच्छी मेंटेन होती है, गोल्स अचीव हो जाते हैं, फंक्शनिंग बहुत स्मूथ हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ आपका जो एफिशिएंसी के साथ साथ जो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सकती है, कोऑर्डिनेशन आता है। तो बेटा ये बेसिकली मैंने आज के लेक्चर में आपको कोशिश की है कि जो कम्युनिकेशन का मेजर और मेन आस्पेक्ट है वो मैं आपको पढ़ा पाऊं, जिससे कि चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए। इस लेक्चर के लिंक के साथ इस पीडीएफ को भी मैं शेयर कर दूंगी, जिससे एक एक चैप्टर करके आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए, न्यू एडमिशन के लिए नया सब्जेक्ट होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। दिस इज वेरी इजी एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। कम्युनिकेट करना होता है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। जब हम एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में जानकारी को शेयर किया जाता है उसे कम्युनिकेट कहते हैं। आप कम्युनिकेशन में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने केवल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका एक प्रोसेस, जो दो पार्टीज उनमें इन्वॉल्व होती हैं, सेंडर और रिसीवर, उनके थ्रू चीजों को समझने की, पढ़ने की कोशिश की है। आई होप कंटेंट आपको समझ में आया है। लेक्चर को आप समझने के लिए लास्ट तक देखें। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट को समझें कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। जैसे अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बात करना कम्युनिकेशन है। आइडियाज को, इन्फॉर्मेशन को, जो भी आपके दिमाग में चीजें चल रही है, चाहे वो कोई गुस्सा हो, किसी चीज का कोई इमोशन हो, कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो, तो जब व्यक्ति उसको दूसरे से शेयर करता है उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि भाई बिजनेस के अंदर आप क्या गोल्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स आपको पूरे करने हैं, तो आप जब लोगों की ड्यूटीज को डिवाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई इस तरह का काम होना है, उनसे पूछते हैं कि आपने अब तक इसमें क्या चीजें कर रखी है जिससे कि हम अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आई होप आप कंटेंट को इजिली समझ पाए। थैंक यू।